आज का था वो था कैवेनेंट। इसका मतलब क्या होता है? एन एग्रीमेंट, सहमति दिखाना, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, कैवेनेंट, एन एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं आप इसे। सेकेंड वर्ड आपका जो आज का है वो हो जाएगा आपका क्रैस, CRASS। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग होता है स्टूपिड, STUPID, स्टूपिड। और इसी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनसेंसिटिव, INSENSITIVE, इनसेंसिटिव, TIVE। अगर आप इसकी हिंदी जानना चाहेंगे तो हिंदी क्या हो जाएगी आपकी इसकी? मूर्ख या बुद्धिहीन, ठीक है, ये वर्ड हो जाएगा आपका मूर्ख या बुद्धिहीन। थर्ड वर्ड हमारे सामने हो जाएगा आपका, अगला जो थर्ड वर्ड हमारे सामने है दैट विल बी डेफरेंस, DEFE, इट इज़ नॉट डिफरेंस, इट इज़ डेफरेंस, DEFERENCE, डेफरेंस। एंड इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? हम्बल, हम्बल बोलते हैं इसे हम, हम्बल, HUMBLE, हम्बल, सबमिशन, सबमिशन, SUBMISSION, हम्बल सबमिशन, एंड रिस्पेक्ट, एंड रिस्पेक्ट, हम्बल सबमिशन एंड रिस्पेक्ट। हिंदी लिखेंगे आप इसकी, यानी आदर करना किसी का, यानी वो इंसान जो है किसी का आदर कर लेता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या? डेफरेंस या हम्बल और सबमिशन, हम्बल सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, इसे बोलते हैं हम आदर। अगला वर्ड हमारे सामने है, फोर्थ वर्ड है डेफ्ट, DEFT, फोर्थ वर्ड हमारे सामने जाएगा डेफ्ट, DEFT। एंड इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? इंग्लिश में लिखेंगे पहले आप मीनिंग, इसे बोलते हैं स्मार्ट या क्लेवर, तो आप खुद को समझ सकते हैं यू आर अ डेफ्ट पर्सन, स्मार्ट और क्लेवर, CLEVER, स्मार्ट और क्लेवर, डेफ्ट। अगला वर्ड हमारे सामने, इसका मीनिंग लिखेंगे आप हिंदी में, चतुर बोलते हैं इसे हम, चतुर या चालाक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है दैट विल बी फिफ्थ वर्ड, वो हो जाएगा आपका डेलिंक्वेंट, DELINQUENT, डेलिंक्वेंट। इसका इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे आप, वो हो जाएगा लॉ ब्रेकर, यानी कानून तोड़ने वाला, लॉ ब्रेकर। और जो कानून तोड़ता है उसके लिए एक वर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं कल्प्रिट, तो आप दोनों वर्ड लिख सकते हैं कल्प्रिट, CULPRIT, इसे आप हिंदी में लिखेंगे अपराधी, तो अपराधी को आप बोलते हैं क्या? डेलिंक्वेंट, लॉ ब्रेकर या फिर कानून तोड़ने वाला। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, जो आज का अगला वर्ड है वो होगा डेलीरियस, सिक्स्थ वर्ड आपके सामने है डेलीरियस, DELIRIOUS, डेलीरियस, DELIRIOUS, डेलीरियस। इसका मीनिंग आपका हो जाएगा इनकोहेरेंट, INCOHERENT, इनकोहेरेंट, ओके। सो डेलीरियस का मतलब क्या है? इनकोहेरेंट। इसका आपका मीनिंग हो जाएगा हिंदी में, वो लिखेंगे आप समझ में ना आने योग्य, बेसिकली जो चीज़ आप समझ ना सकते, समझ नहीं सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ना समझ आने योग्य, ना समझ आने योग्य। जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसे हम बोलते हैं क्या? डेलीरियस, इनकोहेरेंट। अगला वर्ड हमारे सामने है दैट विल बी सेवन्थ वर्ड, वो हमारा हो जाएगा डेसिस्ट, DESIST, डेसिस्ट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्स्टेन, ABSTAIN, एब्स्ट्रेन फ्रॉम, FROM, फ्रॉम डूइंग समथिंग, फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो इसे हम बोलते हैं क्या? डेसिस्ट। एंड इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बंद कर देना। इसका मीनिंग हो जाएगा आपका बंद कर देना, मतलब वो चीज़ आप कर नहीं रहे हैं, अब वो काम आप करना आपने बंद कर दिया है, तो उसे बोलते हैं हम डेसिस्ट, ठीक है। आई एम डेजिस्टिंग माई हॉबी ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यानी अब मैं क्रिकेट खेलना बंद कर दूंगा। आई एम डेजिस्टिंग माई हॉबी ऑफ राइटिंग लिरिक्स एक्चुअली, सो वो भी अब मैं बंद कर दूंगा, ओके। अगला बड़ा हमारे सामने क्या है? डेस्पोंडेंट, DESPONDENT, डेस्पोंडेंट, DESPONDENT। इसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है इंग्लिश में लिखेंगे पहले आप इन लो स्पिरिट्स, IN लिखेंगे, इन अलग वर्ड है ये, फिर आएगा लो, LOW, फिर आएगा SPIRITS, इन लो स्पिरिट्स,
एंड इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा हिंदी में निराश, यानी जो निराश है, उदास है, क्या उसके अंदर जो है ऊर्जा होगी, जोश होगा, नहीं होगा। इसीलिए मैंने इंग्लिश में बताया आपको इन लो स्पिरिट्स, स्पिरिट्स माने क्या होता है, जोश होता है एक्चुअली, तो उसके अंदर जोश नहीं है तो वो क्या होगा, निराश हो जाएगा। तो ये आपका वर्ड हो जाएगा निराश या फिर उदास। नाइन्थ वर्ड आप लिखेंगे आज का सेकेंड लास्ट वर्ड हमारे सामने है डेलीजेंट। नाइन्थ वर्ड क्या है, डेलीजेंट, डी ई एल आई जी ई एन टी, डी आई लिखेंगे, डी ई नहीं, डी आई आएगा, डी आई एल आई जी ई एन टी, डी आई एल आई जी ई एन टी। अगर आप इसका मीनिंग लिखेंगे इंग्लिश में तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी हार्ड वर्किंग, जो आपका जो इंसान हार्ड वर्किंग होता है उसको बोलते हैं डिलीजेंट, ही इज अ डिलीजेंट पर्सन, हार्ड वर्किंग। तो नेक्स्ट टाइम आपको ये नया वर्ड यूज़ करना चाहिए अपनी वोकैबुलरी के लिए, हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो ये आपका जो है इंग्लिश वर्ड मीनिंग हो जाएगा इसका। हिंदी में अगर हम लिखेंगे इसका मीनिंग तो क्या हो जाएगा आपका, मेहनत करने वाला या मेहनती बोल सकते हैं आप इसके लिए, मेहनती। तो ये आपका वर्ड हो जाएगा नाइन्थ वर्ड। अगर हम टेंथ वर्ड पे आएंगे तो आज का टेंथ वर्ड क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका डिसऑन, डी आई एस ओ डब्ल्यू एन। बेसिकली मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि ये बाइक आपकी है, तो आपने बोला नो, तो आपने क्या किया, आपने मना कर दिया, आपने उस चीज़ के अधिकार से मना कर दिया। उसके लिए एक वर्ड होता है डिसऑन, मतलब ऑन माने क्या होता है, मेरा, और डिस नेगेटिव वर्ड है तो इससे बन गया डिसऑन, यानी वो चीज़ आपकी नहीं है। तो इंग्लिश में लिखेंगे मीनिंग इसका आप रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज, रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज, और एक्नॉलेज को बोलते हैं हम हिंदी में पहचानना। एक्नॉलेज इस पर लिखेंगे आप ए सी के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, रिफ्यूज टू एक्नॉलेज। एंड इसकी हिंदी क्या बनेगी आपकी, इसकी हिंदी बनेगी मना करना, या फिर आप बोल सकते हैं अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, आपने उस चीज़ से मना कर दिया, आपने उसे स्वीकार नहीं किया। तो ये आपके आज के वर्ड थे 38 डे के।